Hey guys, welcome back to our new vlog. हाँ जी, तो आज फिर भाई कल वाली भी छुड़ी हो गई है। ले भी नहरू कुंड देख लो बिना बर्फ के। ले आओ जी सिस्टम देख लो। हाँ जी, तो अपने साथ भी भाई पूरी चालू हो गई है। आईफोन स्टोरेज फुल वाली। लो जी खाना आ गया अपना। Hey guys, welcome back to our new vlog. 3 बज गया फिलहाल, तो उठे हैं चाय चुए पी। अभी फिलहाल प्लान बन रहा है कि जाएंगे शायद सोलांग वैली, तैयार वगैरह हो लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, चलते हैं। हाँ जी, तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, मैं और कार्तिक तो हो गए। मेकअप ठोक रहे हैं अभी है? स्पीकर लेके चलना है या नहीं? ले चल, कल काम ही आया था। क्यों? अरे ले ले यार, वही तो फोन भाई साहब का इतना काम दिए स्पीकर ने बेचारे ने। हाँ, वहाँ एक तो पानी से नदी सी थी, इसने बहुत हेल्प करी भाई। चलो फिलहाल आप ये रेडी हो जाए एक बारी, मैंने तो सिर्फ शूज शूज पाने हैं अभी, ऊपर से रेडी हो चुके हैं। चलो मिलते फिर आपसे एक बार रेडी हो जाए। हाँ जी, तो आज फिर भाई कल वाली भी छुड़ी हो गई है। इस वाले टायर में आज फिर हवा कम है, शायद से पंचर ही है इसमें, तो एक बार चेक करवाने आए हैं अभी। फिलहाल कह रहा है कि 5 मिनट लगेंगे, एक बार थोड़ा फिर देखता है। मेरे को लग रहा है कि पंचर ही है। व्यू चेक करो बाकी आप यहाँ से एक बार, इतना सेक्सी व्यू है ना, देखो प्रभाड़ इतने सेक्सी लग रहे हैं ना। पर नीचे नदी जी पंजर मिल चुका है, ला रहा कर दे। क्या फुल फुल जाम मिलेगा अभी? अभी तो जा ही नहीं पाओगे। अच्छा, अब यहीं से दौड़ो हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ले आओ जी बधाइयां होण। फिलहाल तो एक भाई मिला है, वो कहता है कि इस टाइम तो सोलांग वैली जाने को भी फायदा नहीं है, अगर जाना है तो सुबह सुबह निकलो तो फिर पहुंचोगे आप आराम आराम से जाके। इस टाइम तो गाड़ी को रिस्क उड़ाने वाली बात। ले भी नहरू कुंड देख लो बिना बर्फ के, कितना अजीब लग रहा है ना। वही तो, आज बर्फ खत्म हो गया मतलब नहरू कुंड में पूरी। यहाँ कल मैगी वाले बैठे थे, यहाँ मैगी खाई थी, कोई भी नहीं आया। फिलहाल मेरे गले में ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैं आया हूँ सूख के गले को। जी ये सूख भाई से पूछते हैं, सूप सूप आएगा भैया? कहाँ मिलेगा सूप आसपास? सूप यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे नीचे ला भी सिस्टम देखियो कितना खतरनाक लग रहा भाई। जूम हुआ बड़ा अब ठीक है। साले कहाँ जा रहा है, गिर जाएगा। हाँ जी खा लिया, क्या खाया? तो मैंने अभी लगवाया ये खाता नहीं हूँ, पर मैंने आज खा लिया, मेरा मन किया तो मैंने खा। आपके बारे में बहुत कुछ सोच गए थे, पर अभी कह रहे हैं वो भाई मिला था जो रास्ते में, वो कह रहे हैं अभी कोई जाने का फायदा नहीं है भाई, अभी इस टाइम तो आने का टाइम होता है, बाकी फिर देखते हैं हम क्या तो क्या आ गया ये सही से वो गया गाड़ी में से कोल्ड ड्रिंक निकाल रहे हैं। खाने ये खा लो आप ही, पर हमें मेरे मुंह का टेस्ट बिगड़ा पड़ा ना, इसलिए मैं ये चीजें खा रहा हूं। कोई बात नहीं, पर वैसे मौसम सही है ना, तो यहाँ भी बर्फ नहीं है, पहले ना यहाँ पे बर्फ थी मतलब इन पे, अब यहाँ बर्फ नहीं है, पहले सारी पहाड़ियाँ जो थी ना ये वाइट वाइट थी कल तक है ना,
ये भी ग्रीन ग्रीन सी आ गई है इसमें। ये तो शुक्र है कि हमने पहले टायर में वो हवा भरवाने चले गए, तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं नहीं रहने दो भाई, वहाँ जाने को कोई फायदा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा बर्फ है और टाइम भी ज्यादा हो गया था, 4-5 बज गया। तो फिर वो कहते हैं इस टाइम जाने का आपको कोई फायदा नहीं है, अगर आपने जाना है ना तो सुबह 8 बजे जाओ और इस टाइम तक वापिस आ जाओ। फिर हमने बोला आप देखो कल का क्या प्लान बनता है। ये आ गए कोल्ड ड्रिंक लेके, ये लगा दूं। हाँ यहाँ हाँ जी, तो नैरोगुंड से ऊपर आए हैं। यहाँ देखो सिस्टम कितना है, कितनी कैडा यहाँ व्यू देखो, नीचे देखो भाई साहब सिस्टम, यहाँ है असली बर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, और पीछे एक छोटी जगह है वहाँ इतनी बर्फ है, तो लोग भी खड़े, लोग भी खड़े, तो अभी गाड़ी लगाते हैं साइड में, वहीं चलते हैं क्योंकि आगे जाना तो फिर क्या पता बंद हो रास्ता। आगे चले पहले देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। फिलहाल देखो वो बड़ी जगह है जहाँ मैं उतार के भी देख के ध्यान से, ये बातों मगन चल रहे हैं पूरे। ले आओ जी सिस्टम देख लो, यहाँ है असली मजा, तो यहाँ है मनाली है भाई साहब, स्नो यहाँ इतनी सेक्सी है ना पूछो मत। ये देखो ठंड लग रही है, जैक कोट पहाती ना वहाँ क्या है, इसने मेरे को इतनी अच्छी राइड दी। क्या दी? 20 रुपीज की। क्या वो राइड अब डालूंगी ब्लॉग में। कितने की? 20 रुपए है सिर्फ। मजा आया, मजा आया। अच्छा भाई राइड वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे राइड दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक था वैसे, अच्छी थी है ना। तो चलो फिलहाल यहाँ से चलते हैं नीचे, चलते हैं ते तो पीछे भागेंगे ना, देख क्यों तरी हो। तो गाड़ी वहाँ पीछे खड़ी हुई है, वैसे शाम भी हो गई है यार, लेरा होना शुरू हो गया, देख के प्रभु। जैसे ये जो पक्की स्नो होती है ना फिसलता है, ये जैसे स्नो ना ताजी, इसमें पैर जम जाता है अंदर, है ना। पर वैसे मजा आया मुझे तो बहुत ज्यादा, ठीक था, अच्छी थी वैसे तो। हम जी तो अपने साथ भी वही बसूरी चालू हो गई है, आईफोन स्टोरेज फुल वाली। तो फिलहाल मैंने देखो स्टोरेज तो खाली कर दिया, 5-6 ऐप डिलीट कर दिया फिलहाल, देखो जहाँ तक बनता। और प्रभु के फोन में बैटरी नहीं है कि प्रभु के फोन से बुला लो, देखो बंद तो जाएगा वैसे, रिसेंटली डिलीट सारा खाली किया है, थोड़ा वो स्पेस तो बन जाएगा यार। ले ओ जी, जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतना व्यू सेक्सी है, जाता जा रहा है। ले ओ जी गाड़ी लग गई अपनी, अब आया सिस्टम, देख के आजो यहाँ रखो पत्थर पे। कमली है क्या तू? ठंड बहुत है भाई साहब, ठंड इतनी ज्यादा है ना भाई, पूरे हाथ ठहर गए हैं। इसकी तो वीडियो नहीं पूरी होती यार, क्या हुआ वापिस क्यों जा रहे हो? गड्डी ची यार तेरा बिल्लो, क्या आगे बर्फ है? डेढ़ डेढ़ फुट बर्फ है, वो कह रहे गांव है कैंपिंग है पलचन। हाँ ये रहा आराम से, क्या गिरा है? स्पीकर। ये कैसे गिरा है? लो जी शाम के बज गए 6:30, पर आप देख लो लगभग अंधेरा हो ही गया है ना। चले आंदे एकदम ही हुआ अंधेरा सा ना। ये मैं सोच रही ये करने की, क्या जिपलाइन? क्या ये जिपलाइन? इसका नाम जिपलाइन है। अच्छा ये अच्छा याद जाएगा शू, ऐसे ही होता है, बड़ा डर कितना लगेगा। आधी रात वीडियो बन जाएगी, आधी रात तो क्या गिर गए ना, टूटे ही पुल्ले दोनों नवे डलवाने पड़े ऐसे।
इसको तो यही सब कुछ आता है। लो जी धक्के धक्के धुक्के खा के आ गए हैं। अरे 3 दिन टैबलेट दी है उसने, मैं कहा दे दे यार आराम हो कुछ भी। तीन टैबलेट दिया, तीनों तीन तीन ली कर गया मुंडे सेट। हाँ जी तो फिलहाल थोड़ा रेस्ट वगैरह करके हम जा रहे हैं खाना वगैरह खाने। सुबह हमने सिर्फ चाय पे रखी और थोड़ा बहुत वहाँ जाके खाया था जो खाया। तो जी खाना आ गया अपना, मैं डोसा बहुत बढ़िया बढ़िया आलू वाली साइड से खा गए थे बढ़िया। मैं तो खा सकता था क्योंकि गला ज़्यादा खराब है। हैं जी साइड किया क्या हुआ है, हैं रब क्या चाहिए क्या चाहिए बता तो दे, नाम तो बता दे जो चाहिए है। अच्छा जल्दी खा दे क्या चाहिए, आजा कौन पाते है वो जो चाहिए। लोग पराठा खाना है, पराठा खाना है तो क्या खाना है फिर बहन चो, मेरा मन कर रहा है तो मेरे को खाने नहीं दे रही, बता तेरा मन नहीं है तो मेरे को भी खाने नहीं देगी क्या। नहीं खा ले तू, मैं तुझे खाना थोड़ी। अभी जूस पी रहा था तब तो बड़े ड्रामे कर दिए। अरे जू यार गाइस आप बताओ इसका गला खराब है बहुत ज्यादा, तो इसको ज्यादा गले की खराब की वजह से ना वोमिट भी हो रही है। ज्यादा गले की खराब की वजह से मुझे वोमिट होती है। हाँ तो संतरा होता है ना जो वो ठंडा होता है बेटा जूस नहीं। अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं संतरा ठंडा होता है, तो तू क्योंकि पी रहा था ना अगर तुझे पता होता तो। उल्टे हो गई है सारे अपने अपने तरीके अजमा रहे, कोई कह रहा अजवाइन ले लो। मेरे को कमेंट करके बताना कि मैंने इसको जो तरीका बताया वो सही होगा नहीं। मैंने इसको बताया कि अजवाइन खिला दिया नमक के साथ, अब ना ठीक हुआ फिर उसकी। और कार्तिक को जब लेने गए क्या कहते हैं तेरे को, मेरे को कंफर्म नहीं है ना। हो इधर आई तरफ बच्चे पेड़ मारू है, देखो क्या करा इसने क्या किया देख जरा। अरे अरे पल्स की टोपियां पैक की डाल दिया अंदर, बताओ उससे क्या हो गया। अच्छा उससे क्या हो गया, ऐसा हो गया फटाना हो गया क्या हो गया वो क्या हो रहा है गाइस। मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन सब लोगों से, ये दोनों मरीज ए भाई मान या ना मान इसकी मनुष्य लगी, लगी मैं तो मुंह में बोल रही लगी है। अभी कह रही थी कि भाई तेरे को नहीं लगी, इसको नहीं लगाई मेरे को, गाड़ी रोकी है तो कह रहा कि मेरे दर्द हो रही है। इसको नहीं होएगी, मैं बता तो रहा हूँ तो दर्द नहीं हो सकती यार सिस्टम नहीं है क्या अंदर क्या सिस्टम है हाँ? तो तेरा खराब हुआ पड़ा वो सिस्टम है यार, लगाता है हुक्का हाँ। मैं तो खुद वो यार मैं तो खुद लाइव नहीं गई इतनी यार लाइव आ जाए। दसो जरा कैसी है, ठीक है खाने वाली है पर खाए बंदा तो पानी का टेस्ट नहीं है। तो फिलहाल ये वाला व्लॉग हम यही एंड करते हैं, कल देखो कहाँ का प्लान बनता है हमारा कैंपिंग का। 1% सोच रहे हैं कैंपिंग का तो बन सकता है। बाय बाय, चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। लव यू गाइस।